और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा में, सबसे अहम चर्चा करने की। 2024 यानी फाइनल से पहले सेमीफाइनल की तैयारी जोरों पर है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है, जिसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज है। और केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टियों का महायुद्ध देखा जा सकता है। सवाल जनता का अब भी यही है, लेकिन आज हम जनता के इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से नीरज कुशवाहा, कांग्रेस से पवन गुप्ता, सपा से अभिषेक मिश्रा जी और बीजेपी से विकास पांडे जी। हमारा सबसे पहला सवाल विकास पांडे जी आपसे ही है, 2024 से पहले सेमीफाइनल में कौन बाजी मारेगा और क्या इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का असर लोकसभा पर भी देखने को मिल सकता है? जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है, तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय फलक का चुनाव होता है। निश्चित तौर पर वो चुनाव एक अलग परिदृश्य, अलग रूपरेखा के साथ लड़ा जाता है और राज्य के चुनाव का अपना अलग विषय होता है, अपना अलग सिनेरियो होता है राज्य के चुनाव में जाने का। तो राज्य के चुनाव का अलग विषय होता है। और जहां तक रही 2024 के जिस सेमीफाइनल की बात, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः अस्वस्थ है। अस्वस्थ इसलिए है क्योंकि हमने जनता को वो डिलीवर करके दिया जो जनता ने हमसे उम्मीद करी थी। हमने जनता को सुशासन दिया, हमने जनता को जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर भरसक प्रयास किया कि हम उनको पूरा करने का करें। शायद इसी का परिणाम है कि भारत में कांग्रेस के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजनीतिक दल दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आया, और ये हम सबके लिए बड़े गर्व की भी लेकिन बात है। लेकिन विकास जी, ओपिनियन पोल तो कुछ और कह रहा है ना। ओपिनियन पोल कह रहा है कि कांग्रेस के खेमे में 118 से 128 सीटें आ सकती हैं, और बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार बनेगी। पिछली बार भी अगर आप याद करें, एमपी के ओपिनियन पोल को अगर केवल आप दृष्टिगत रख के सोच रहे हैं, तो एमपी के ओपिनियन पोल में पिछली बार भी यही सब दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कांटे की लड़ाई हुई और नेक टू नेक फाइट हुई। ये दिखाता है कि जनता के बीच में हमारी लोकप्रियता आज भी कायम है। 2003 से लेकर के अगर आज तक देखें, 20 साल हो गए हैं एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और 20 साल कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं होता है एंकर महोदया। 20 साल में हमने जनता को दिया होगा, तब जनता ने ना हम पर पूर्ण विश्वास किया और जनता हमें कंटिन्यू हमारा मैंडेट देती चली जा रही। वरना याद हो, हम यूपी का ही उदाहरण ले लें कि 5 साल से ज्यादा सरकारें नहीं चलती, और 5 साल बाद जब सरकार वही सरकार दोबारा चुनाव में जाती है तो बुरी तरह से हारती है। ये यूपी में आपने देखा है। लेकिन अगर हमारे साथ ये होता है कि हम 20 साल बाद भी अगर चुनाव में जाते हैं तो सारे राजनीतिक दल हमसे ही लड़ाई मानते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों में काम करने वाला राजनीतिक दल है और जनता की एक एक उम्मीदों पर खरा उतरने वाला राजनीतिक दल। लेकिन जनता खुश कहाँ है? कांग्रेस पवन जी जवाब दी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस इनकी सरकार 2014 में आई, अभी 9.5 साल हुए केंद्र में, और केंद्र में इनकी सरकार जो आई है वो धर्म के नाम पे आई है जी। जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, वो इनकी नीति है। ये धर्म के नाम पे देश के सत्ता में आके काम कर रहे हैं। जहाँ तक ये 3 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं, इन 3 राज्यों में भारत कांग्रेस पार्टी जीती थी पिछले चुनाव में। इन्होंने पैसे के बल पर और तोड़फोड़ के बल पर मध्य प्रदेश से सरकार गिरा ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं गिरा पाए। बहुत प्रयास किए इन्होंने, तीनों जगह जनादेश स्पष्ट रूप से कांग्रेस को मिला था, उसके बाद भी इन्होंने तोड़फोड़ करके बना ली। तेलंगाना में इनका कुछ नहीं है, मणिपुर में जरूर, यहाँ पे जरूर इन्होंने अपनी सरकार बना ली है, बाकी मिजोरम में, बाकी कहीं भी इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने तोड़फोड़ के बना ली। और जहां तक ये कह रहे हैं कि पूरे देश में इनकी चौतरफा अगर मा वो है, तो देखिए लोकसभा में जो इनकी सरकार बनी बैठी है, 38.2% इनकी सरकार है, 61.8% विपक्ष में है। मतलब चूंकि इन्होंने विपक्ष को बंटवारा करके रखा हुआ, बांट के रखा हुआ है, बंटवाने अपनी प्रेशर से, अपने ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, इन सब प्रेशर में इन्होंने बांट के जो रखा हुआ है, उसके कारण ये सत्ता में बने हुए हैं। अदरवाइज बहुमत इनके साथ कहाँ है? 38.2% वोट पर केंद्र में सरकार बनी हुई इनकी। अब आने वाला चुनाव जो तीनों विधानसभा का है, इसमें जो सरकार आप लोगों के ऊपर, और राजस्थान में इसी तरह कांग्रेस की 200 सीटें, 107 सीटें आएंगी, 150 सीटें। तो अगर विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतती है तो इसका असर लोकसभा पर भी देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से मिलेगा। लोकसभा में ये किस राज से जीत रहे हैं बता दें,
भाई राजस्थान में इनके पास पूरी सीटें हैं, बढ़नी नहीं है, जो होनी कम होनी है। मध्य प्रदेश में एक सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है, पूरी इनके पास है, बढ़नी नहीं कम होनी है। दिल्ली में इनके पास पूरी सात की सातों सीटें हैं, बढ़नी नहीं कम होनी है। सब जगह तो इनकी कम होनी, बढ़नी का है तो पीठ पे है। अब जवाब दीजिए विकास जी, दावा कर रहे कि विधानसभा चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन लोकसभा में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, दावों से अगर राजनीति होती तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी गुजरात में जाकर भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और इन्हीं के इंडिया गठबंधन के सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी 400 सीट में मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे थे गुजरात में। आप सबने देखा है ना, यही वो लोग हैं INDI गठबंधन के पीछे के लोग, यही सब गुजरात में जाकर के दीवा स्वप्न देख रहे थे और जनता वोट करती है। भाई साहब, ये बात इन्हें कब समझ में आएगी? इनके कहने ना कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, ये जनता तय करेगी देश की, प्रदेश की। अरे सर सुनिए, सुन लीजिए, मैंने आपको धैर्य से सुना सर, सुनिए। दूसरी चीज मुझे लगता है आप एक बात कह रहे थे कि राजस्थान में हमारे पास सारी की सारी सीटें, राजस्थान में इनकी सरकार आई थी, विधानसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, क्या रिजल्ट आए? खुद अभी कांग्रेस के नेता ने बता दिया, प्रवक्ता ने बता दिया। मध्य प्रदेश के अंदर भी क्या रिजल्ट आया था? पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, क्या रिजल्ट आया? केवल एक सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई, बाकी की सारी सीटें हार गए, और वो भी कमलनाथ जी जैसे छिंदवाड़ा की सीट थी, उसके अलावा बाकी सारी की सीटें आप हार गए। तो ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कोई दल कहीं है ही नहीं, कोई नहीं है। और रही बात विधानसभा की, मैं फिर कहता हूं आपको, इनके प्रोपोगंडा की हवा निकल चुकी है, चाहे राजस्थान की जनता हो चाहे छत्तीसगढ़ की जनता हो, ये राजस्थान की जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए, ये इन्हें बताना पड़ेगा। जिस राजस्थान में आपने रीट जैसे कांड हुए हैं, जहां जो राजस्थान लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार में इस देश में नंबर वन रहा है, उस राजस्थान में आप किस मुंह से सरकार, किस मुंह से वोट मांगने जनता के सामने जाएंगे, जिस राजस्थान में। जवाब दीजिए पवन गुप्ता जी, तो जवाब दें। देखिए, ये बात कर रहे हैं, ये उन राज्यों की बात नहीं कर रहे, यूपी और गुजरात में तो उन्होंने धर्म के नाम पे बिल्कुल बांट रखा है, यूपी और गुजरात को इतने धर्म के अधीन फिरा रखी है वहां पर, कि लोग उसके आगे कुछ और राज्य करना चाहते हैं। मगर और राज्यों बात करें, आखिरी दो चुनाव तो शुरू हुए हिमाचल और कर्नाटक के, दोनों जगह इनको भाजपा भाव बढ़ने नहीं जा रहे, ये महाराष्ट्र में कम हो रहे, ये बिहार में कम हो रहे, बंगाल में कम हो रहे, ये दिल्ली में कम हो रहे, पंजाब में कम हो रहे, ये कर्नाटक में कम हो रहे, ये सब जगह तो कम है। कांग्रेस है जिसने इस देश पर लगातार 50 से 55 साल तक लगातार शासन किया, ये वो कांग्रेस पार्टी है कि जिसकी लोकसभा के अंदर 90% तक सीटें हुआ करती थी और देश के 90% राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, ये वो कांग्रेस है। और आज इसकी स्थिति देख लीजिए कि इस कांग्रेस से अलग होकर कर ममता दीदी अपनी पार्टी बनाती है तो ये ममता दीदी की वाहवाही में लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमसे ही निकला हुआ दल आज हमको पीछे छोड़ के चला गया और वो हमसे कहीं आगे निकल गया। ये भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र आपने संख्या इसकी तो बात आप कह रहे हैं, जहाँ तक बात है सरकार चलाने करने की, ये स्वस्थ लोकतंत्र है, जनता चुनती जनता करती है, आज आपके पास 303 और 303 से दो पे आ जाए। विधानसभा चुनाव लोकसभा से पहले हुए और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आपको एक सीट नसीब हुई, केवल एक सीट। राजस्थान में आप विधानसभा चुनाव बड़े बहुमत से जीते और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो हम सारी की सारी लोकसभा सीटें जीते और आपको एक लोकसभा नहीं हुई। पहले काम कर दिया ना, ये आप बात कर धन के नाम पर नफरत कराकर कांग्रेस के प्रति करने के काम आप कर रहे हैं, जनता ये धर्म समझ गई है।
जनता समझ रही है, बंद पहले आप ये तय करिए बात का सत्ता नाटक बताओ कि जनता चीज स्वयं के गठबंधन के साझीदार धर्म के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। अखिलेश यादव से जनता चीज स्वयं के गठबंधन के साझीदार धर्म के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। अखिलेश यादव जी रोना रो रहे हैं, जनता ने मध्य प्रदेश में पूछा नहीं जा रहा है, उन्हें मध्य प्रदेश में सीटें नहीं जा रही है। आपके 2014 सहयोगी हैं कांग्रेस की नीति में, 2014 से एक राजनीति का हिस्सा ही है, कोई सहयोग नहीं देना चाहते कांग्रेस के लोगों की ये नीति स्पष्ट है। विकास जी अखिलेश जी तो एक और बात कह रहे हैं कि आप लोग आजम खां की तरफ तारीफ करवा रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो $67 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो आज 113 लाख करोड़ की जीडीपी थी इस देश की और आज 272 लाख करोड़ की जीडीपी है। ये फर्क है, ये वो लोग बताएं जिन्होंने अभी 53 साल और 55 साल कर रहे थे और उसके बाद जब देवेगौड़ा जी की सरकार को समर्थन देकर के आपने बनाया वो भूल गए आप, जो आपने लगड़ी सरकारों को समर्थन देकर के देश को पंगू बनाने का काम किया वो भी शासन जोड़ लीजिए, वो भी शासन जोड़ लीजिए। इस देश का सुनिए सर, इस देश में इस देश को ये भी बताइए की गांधी परिवार ने इस देश के साथ क्या क्या किया है। इस देश में देश का बजट बंद रहता है, अगर देश का बजट अगर चल रहा है, अगर देश का बजट अगर चल रहा है, परिवार ने शासन किया है, यह भी बताइए इस देश को यह भी बताइए। आज इस देश में अगर आज इस देश में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का जाल बना करके दिया है, ये स्वयं कांग्रेस पार्टी की सरकार में रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 39 साल में जितने हाईवे बनाए हैं उससे कई गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6.5 साल में बना दिए। ये रिपोर्ट हमारी सरकार में नहीं आई, ये स्वयं जब कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार थी तब ये रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट और आई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, एक रिपोर्ट ये आई थी कि अलबत्ता देश का विकास हुआ हो ना हुआ हो लेकिन विश्व की 34 सबसे अमीर महिला बनने का खिताब जरूर सोनिया गांधी को मिल गया था। यह भी रिपोर्ट आई थी इसी देश के अंदर जब कांग्रेस का शासन रहा है, तो कांग्रेस को जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, बहुत अच्छे से समझ चुकी है, ये जानती है कि ये वो लोग हैं जो बदलाने का काम करते हैं, ये सत्ता में आते हैं तो देश को लूटने का भी काम, तो ये बिल्कुल तय हो चुका है कि अब जनता इनके लोक लुभावन बातों में नहीं आने वाली। छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे उसमें से 22 आज भी अधूरे पड़े हैं, उन पर कोई काम नहीं किया छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर। और वैमनस्यता की राजनीति का आलम देखिए कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना छत्तीसगढ़ में पंगू बना के फेंक दी जाती है, हमको आवास नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना है। अभिषेक जी आपने हमारा सवाल सुना, अभिषेक जी अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए फिर जवाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने महज 63% कर्ज बढ़ाया है, ये बेसिक फर्क है कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जो मनगढ़ंत आंकड़े आप लेकर के आते हैं इनका अधूरा सच मत बताइए, यह भी बताइए कि 2003 में देश के ऊपर कितना कर्ज आता और जब 2014 में आप छोड़ करके गए तब कितना कर्ज आता, यह भी इस देश को आप बता करके जाइए। अभिषेक जी आपको हमारा सवाल देखिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग इसी अपनी कमियां छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग इसी तरीके की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, बहुत गंभीर विषय है कि अभी INDIA गठबंधन का बड़ी जोर शोर के साथ इन्होंने गाजे बाजे के साथ अनाउंसमेंट किया है। मुझे बताना चाहिए कांग्रेस के साथी को, इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, कि क्या ये आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीटें देने जा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में सीटें देने जा रहे हैं, कि क्या केवल यही करेंगे कि लोकसभा में इन दलों का आप लाभ ले लेंगे और जब विधानसभा की बारी आएगी तो छोड़ देंगे कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं। तो ये मौका परस्ती का गठबंधन है, ये पूरा देश आज जानता है और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनकर के 2024 के सेमीफाइनल जिसे आप कह रही हैं उसमें निकल के आने वाला है। इस INDIA इंडिया जैसे पवित्र नाम के पीछे जो लोग हैं उनका चेहरा बहुत काला है, बिल्कुल स्पष्ट समझिए, ये वो लोग हैं जो इस देश को अंधकार में ले जाने का काम करते हैं, ये वो लोग हैं। कुशवाहा जी, विकास जी, अभिषेक जी के आरोपों का जवाब दीजिए। अभिषेक जी जैसा कह रहे हैं अब जवाब दीजिए, और जनता भी कहीं ना कहीं यही कह रही है कि वो हर दूसरा इंसान आज रोड पर रोजगार की तलाश में टहल रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि जनता आपकी सरकार से खुश है।
कांग्रेस के आप मन मुताबिक दिए गए आंकड़ों पर विश्वास आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये विरोधी है और इनका काम है अपने हिसाब से आंकड़े देना। सर आप सुन लीजिए, सर आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपका चेहरा बिल्कुल अच्छा बोल रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि आपने इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया है, फिर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाने के बाद क्यों रो रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। क्यों वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में स्थिति क्लियर करे कांग्रेस, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं, ये हमने नहीं कहा। और इस बात को आपको तस्दीक के साथ समझना पड़ेगा, जो अभी बेरोजगारी का रोना रो रहे थे और जो अभी महंगाई की बात कर रहे थे, उन्हें ये समझना चाहिए कि जिनके शासनकाल में गाना बन गया था कि सैया तो खूब ही कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं, वो आज यहाँ आकर के महंगाई पर प्रवचन दे रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ जितने भी कांग्रेस पार्टी के अन्य आओ को भी मुझे कोई नहीं ऐसा साल बता दीजिए जब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई दर डबल डिजिट में रही हो और कांग्रेस का मुद्दा यह जा रहा है कि जब 2009-2011 तो आपके वो नेता कहाँ है, क्यों नहीं धरना देते, क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों पर धरना देते? आपको नहीं दिखेगा जब 2009-2011 ये कांग्रेस के चक्कर में आपको दिखेगा और ये पकड़ में आपके पर पता चलेगा और ये पकड़ में आपके पर पता चलेगा किसी के भी गवर्नमेंट नहीं होगा। अपनी मेंटालिटी डेवलप कर ली है अपने में, जाने जनता ने चोर चोर मौसेरे भाई, इसलिए INDIA बनाई। सुन लीजिए, ये वही आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे मैं अरविंद केजरीवाल के कि कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है, कांग्रेस करप्शन की पाठशाला है। अब क्या कांग्रेस दूध की धुली हो गई? कांग्रेस को कोस करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज उसी के साथ तलवैया कर रहे हैं, उसी कांग्रेस के साथ। जरा बताइए, अब कांग्रेस दूध की धुली हो गई? आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए, करप्शन किया है तो करप्शन की सजा मिलेगी। ये जितने करप्ट हैं, इन्होंने INDIA जैसे पवित्र नाम का दुरुपयोग किया है। ये जितने भी करप्ट लोग हैं, इन्होंने INDIA के आड़ लेकर के अपने करप्शन को छुपाने की जो मुहिम चालू की है, उसे 2024 में जनता तिलांजलि दे देगी। आप चिंता ना करिए, INDIA से पवित्र नाम को बर्बाद नहीं होने देगी। इंडिया के पवित्र नाम के पीछे ये काली ताकत है। दे दीजिए भैया, कांग्रेस सही हो गई, कांग्रेस भ्रष्टाचारी तो नहीं रही, आप कांग्रेस भ्रष्टाचारी तो नहीं रही। अब जरा ये भी बता दीजिए पूरे देश को कि जिस कांग्रेस को कोसते कोसते आम आदमी पार्टी ने सत्ता के सौहार्द चखा, उसी कांग्रेस के साथ पहली बार में ही सरकार बना ली, पहली बार में ही। और जब बाहर आए तो बोले हमसे नैतिकता की भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर दोबारा उसी गठबंधन में आप शामिल हो गए जिसकी अगुवा कांग्रेस है, जिसकी अगुवा कांग्रेस है, आप उसी गठबंधन में शामिल है, उसी गठबंधन में। तो मुझे बता दें आम आदमी पार्टी के लोग कि आप कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त हो गई, अब कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त हो गई आम आदमी पार्टी की नजर में? अरविंद केजरीवाल ने सर्टिफिकेट दे दिया क्या? भ्रष्टाचारी बनता है, इसीलिए कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के पास है भ्रष्टाचारी होने ना होने का सर्टिफिकेट, वो अरविंद केजरीवाल के पास है ना भ्रष्टाचारी होने ना होने का सर्टिफिकेट। अभी तक कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट देते थे और आज वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गई। क्यों? क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी
आप भ्रष्टाचारियों को पालते हैं, दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचारियों को तोड़ के लाते हैं। अच्छी बात है, अपनी सरकार बचाने के लिए आपने मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलाया, केवल इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बची रहे। अपनी सरकार बचाने के लिए आपने बहन मायावती के ऊपर ताज कॉरिडोर का मामला दर्ज किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बची रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सीबीआई तोता है तोता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शायद राजनीति में पहली बार किसी सरकार के लिए किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कांग्रेस के लोग हैं और कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मगर आज आम आदमी पार्टी के सर्टिफिकेट से ये शुद्ध हो गए। फिलहाल के लिए सवाल सबसे बड़ा अभी यही है कि विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा सीएम और लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा पीएम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।